जाजमो के बुढ़िया घाट गंगा किनारे रह रहे लोग नर के जीवन जीने को मजबूर है। भीषण गंदगी और जल भराव के बीच बदलते मौसम में यहाँ के वाशिंदों को हर वक्त डेंगू और मलेरिया का भय बना रहता है। कई बार खबरें बाहर आने के बाद क्षेत्रीय पार्षद जरीना खातून ने इस इलाके में नाली की सफाई का काम करवाया और अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने जनता को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द इस गंदगी छुटकारा मिल जाएगा और उन्होंने जनता के साथ जाकर सुअर पालन वाले से भी बात की और बोली जल्द से जल्द ये जानवर को हटाने का कष्ट करें। बता दें कि यहाँ गंगा की ओर जाने वाले कई नाले चौक हैं जिनमें सुअर लौटते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका नरक में तब्दील हो चुका है। आवारा सुअर यहाँ घरों में घुसकर बच्चों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन नगर निगम और नगरीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इलाके में रहने वाले लोगों ने यहाँ की समस्या को बताया। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप गुप्ता। किस क्षेत्र में भैया समस्या आ रही है आपको? हमारे मखदूम नगर बुढ़िया घाट में आ रही है। अब समस्या यही है कि वहाँ गंदगी का इतना अंबार है। मंदिर बना हुआ है, हजारों साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ इतनी गंदगी है, फेंकते हैं लोग मगर उठाने कोई जरिया नहीं ना वहाँ पे, और गंदगी की वजह से सुअर है। अगर जब गंदगी नहीं रहेगी तो सुअर भी अपने आप हटा दिए जाएंगे। गंदगी वहाँ इतनी गंदगी क्या बताएं, गंदगी उठने की गाड़ी तक की नहीं आती वहाँ पे। बाकी गंदे जानवर तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? गंदे जानवर ये कि इतने गंदे जानवर हैं, नाला लो, मंदिर लो, फिल्टर प्लांट लो, लोगों के घर तक के घुस जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी जो पाल रहे हैं उनसे शिकायत करी थी? उनसे हमने शिकायत अभी तक तो नहीं करी थी, आज हम पार्षद जी को लाए हैं और आप सभी लोग के साथ आई हैं। अब देखिए हमारी पार्षद जी अगर चाहेंगी तो जानवर भी हट जाएंगे और गंदगी में इंचेस गंदगी हटेंगे तो जानवर खुद हट जाएंगे। गंदगी हटना है वहाँ की और जाए जिससे गाड़ी आए और गंदगी सारी ले जाए, क्योंकि तो जब जानवरों को खाने को मिलेगा तभी जानवर आएंगे। जब जानवर ही गंदगी नहीं रहेगी तो जानवर क्यों आएंगे? क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। ये कौन सा एरिया है? ये बुढ़िया घाट वार्ड 96। यहाँ क्या समस्या आ रही है? यहाँ समस्या ये है कि जानवरों की समस्या इतनी है, बढ़ गई है कि घरों के अंदर खाना पीना रहना। कौन से जानवर? ये सुअर। और उन लोगों से शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा हड़काते हैं बड़ी जोर से। किन लोगों से? जिनके ये जानवर हैं, घाट पे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं और हड़काते हैं कि हम नहीं हटाएंगे और जो कुछ करते बने कर लो। क्या नाम है उनके? उनका नाम है दिनेश है, और वो तुम्हारे क्या नाम बड़े वाले का, वो यही सब हैं। ये लोग भड़काते हैं, सब परेशान हैं। हम लोग घरों में घुस जा रहे हैं, पूरे खाने खराब कर दे रहे हैं, बच्चों को गिरा गिरा के खाने छीन लेते हैं, कहीं कुछ लेने जाते हैं बच्चों को छीन लेते हैं। आशा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना खातून है। यहाँ अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? पंपिन हॉल बुढ़िया घाट। यहाँ जनता ने आपको बुलवाया है, क्या समस्या के लिए बुलवाया? यहाँ की समस्या ये है कि जब पंपिंग हाउस नया बन रहा था तो यहाँ के अधिकारियों ने हमको मुनासिब नहीं समझा बुलाना कि हम अपने क्षेत्रीय पार्षद को बुलवाएं, और यहाँ खोद खाद के बना के और इन्होंने जहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहे हैं वहाँ तो सही बनाए, बाकी पूरी रोड टूटी हुई है, जो हमारे जनता के निकलने की बड़ी दिक्कतें आप खुद ही देख रहे हैं। पानी का बहाव खराब है, पानी निकल रहा है। और बाकी यहाँ जो गंदे जानवर टहल रहे हैं इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये गंदे जानवर तो टहल रहे हैं, मदन नाम के आदमी पाल रहे हैं। हम चाहते हैं ये गंदे जानवर पकड़ के बंद किया जाए और मदन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये मेयर जी के शायद नजर में नहीं है क्या? हो सकता ना हो, तो हम आज बोल रहे हैं तो ये मेयर जी के नॉलेज में जाएगा, नगराज के नॉलेज में जाएगा, मेयर के सारे अधिकारियों के नॉलेज में जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गंदा जानवर इनके घरों में घुस के काफी नुकसान पहुँचाते हैं। जी।